औद्योगिकरण का युग, डॉन ऑफ द सेंचुरी, मार्च टू स्टेप बाई ईटी पॉल। चित्र एक, डॉन ऑफ द सेंचुरी, ईटी पॉल म्यूजियम कंपनी, न्यूयॉर्क, अमेरिका एंड इंग्लैंड, 1900। ईटी पॉल म्यूजियम कंपनी सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी का उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी, चित्र एक का ऐलान किया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी हाथ में नई शताब्दी का ध्वज लिए प्रगति और फरिश्ताई दिखाई देती है। उसका एक पांव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरे, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने। मशीनों और तकनीकों का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर से भी और भी ज्यादा सफाई दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्ने पर 100 साल से भी पहले छपी थी। चित्र दो, इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाई गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य ओरिएंट इलाके का अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़ कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया है। नीचे नए शब्द प्राच्य। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश, आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी नजरिए में प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी की जहाज, मीना और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। आलीदान पूरब में अतीत का प्रतीक है, मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। ये तस्वीर आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलाव व आविष्कार, मशीनों व कारखानों की, रेलवे और वाष्प पोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकीकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। अब ये छवियां और ये संबंध लोक मानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति और आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों और पुलों का विस्तार समाज के विकास का उद्योत होता है? ये छवियां किस प्रकार विकसित हुई हैं? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनरीकरण का गुणगान करते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। इस अध्याय में हम यह इतिहास पढ़ेंगे। हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहां औद्योगिक बदलाव का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। ये चित्र में टू मैजिशियंस, दो जादूगर दिखाए गए हैं। ऑक्ट्रियंस द चैकिर। चित्र दो में दो जादूगर इंग्लैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित 26 जनवरी 1901 को दिखाया गया है। गतिविधियां, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जहां आधुनिक विकास से प्रगति की बजाय समस्या पैदा हुई हो। आप चाहें तो पर्यावरण, आणविक हथियारों और बीमारियों से संबंधित क्षेत्रों पर विचार कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पाद की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाली उत्पादों से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं। इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पाद होने लगा था। यह उत्पाद फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम देते हैं। नए शब्द आदि किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत है।
17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहर में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्डस काफी ताकतवर थे। ये गिल्डस उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्डस से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्यों को तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्डस को खास उत्पादक उत्पादों के उत्पादन और व्यापार एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसीलिए वे गाँव की तरफ जाने लगे। गांव में गरीब कश्तकार और दस्तकार में सौदागर के लिए काम करने लगे, जैसा कि आप पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा है। यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ी, बेरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीनकर काम चलाने वाले छोटे किसान कटेजर और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे 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 मोटे खेत तो थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों की पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गाँव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। ये चित्र में दिखाए गए हैं सौदागर। चित्र में ये चालाकी महिला 18वीं सदी में कताई। आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। ध्यान से देखिए कि एक चरखे पर केवल एक ही तकली बन रही है। एक ही तकली चित्र में बन रही है। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेतों के कारण सीमित आय में बड़ा सहारा दिया। अब उन्हें पूरे परिवार को श्रम संसाधन का इस्तेमाल का मौका मिल गया। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वाले के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकर फूलर्स और रंग साजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाने लगा था। नए शब्द स्टेपलर एक ऐसा व्यक्ति जो रेशे के हिसाब से ऊन को स्टेपलर करता है या छांटता है। फूलर ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। कार्डिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, कटाई होती है। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यवसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागर का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। कारखानों का उदय इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनका संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिरी में हुआ था। कपास काटन नए युग का पहला प्रतीक था। 19वीं सदी के आखिरी में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1727 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। ये देखें कि ये बदलाव कौन से थे। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया कार्डिंग, ऐंठना व कताई
और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजबूत धागों व रेशों की उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोगों अपने अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीद कर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पाद गांव में हो रहा था, तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। ये चित्र में दिखाया गया है। चित्र 4, लंकाशायर की एक कार्टन मिल सी ई टर्नर द्वारा बनाया गया चित्र द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1925। कलाकार ने कहा, अगर उस नम मौसम की नजर से देखें जिसके कारण लंका शायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता था, जो शाम के धुंधक के में दमकता काटन मिल सबसे शानदार नजारा दिखाई देता है। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड की भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। ये कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रहा जाता था। वे इस काम को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों में ओझल गलियों और वर्कशॉप में भी अभी भी उत्पादन चालू है गतिविधि। जिस तरह इतिहासकार छोटी वर्कशॉप के बजाय औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है कि आज हम अतीत के बारे में जो विश्वास लिए हुए हैं, वे इस बात से तंग होते हैं कि इतिहासकार भी सिर्फ कुछ चीज़ों पर ध्यान देते थे और कुछ को नज़रअंदाज कर देते थे। अपने जीवन की किसी एक ऐसी घटना या पहलू को लिखें जिसे आपके माता पिता या शिक्षक आदि वयस्क लोग महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, लेकिन आपको वह महत्वपूर्ण लगती है। औद्योगिकरण परिवर्तन की रफ्तार, औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी। यह क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योग के विकास तक ही सीमित होता था। ये चित्र में चित्र 5, औद्योगिकरण मैनचेस्टर एम जैक्सन का चित्र था। इलस्ट्रेटेड लंदन 1857। धुआं छोड़ती चिमनियाँ औद्योगिकी इलाकों की पहचान बन गई थी। ये धुआं सारी छोड़ रही हैं चिमनियाँ औद्योगिक की पहचान बन गई। पहला सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन में सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए 1840 के दशक में इंग्लैंड में, और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहे और स्टील निर्यातक का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यातक के मूल्य से दोगुनी थी। गतिविधियां चित्र 4 और 5 देखें। क्या आपको दोनों तस्वीरों में औद्योगिकरण को दर्शाने के ढंग में कोई फर्क दिखाई देता है? अपनी दृष्टिकोण संक्षिप्त में व्यक्त करिए। 2, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं धकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिरी में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन इसके उत्पादक का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। 3, यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाली सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पाटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पाद जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी, वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। चित्र छ इंग्लैंड में एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1849 को। इन फिटिंग शॉप में नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते थे और पुराने की मरम्मत की जाती थी। 4, प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले,
नई तकनीकी महंगी थी, सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफी खर्च आता था। वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारकों और निर्माताओं का दावा था। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स वाट ने न्यू कामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योग में, 9 ऊनी ऊन उद्योगों में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजन का इस्तेमाल काफी समय बाद तक भी नहीं हुआ, यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूरों ही होता था। ये चित्र में दिखाया गया है, चित्र है आपका 1830 के एक कताई फैक्ट्री का। आप देख सकते हैं कि किस तरह भाप की ताकत से चलने वाले विशाल काय पहिए एक साथ सैकड़ों तकलियों को घुमाने लगते थे। सैकड़ों तकलियां एक साथ घूम सकती थी। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में जाते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत होती तो वेतन गिर जाते थे। इसीलिए उद्योगपतियों को श्रमिक की कमी या वेतन के मद में भारी लगा जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज्यादा खर्च आने वाला हो। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। क्रिसमस के समय कुछ बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूर को दरकरार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत और साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन गतिविधि स्रोत को बिन थर्मल मौसमी काम की तलाश में निकलने वाले मजदूरों में से एक थे। उन्होंने ईंट ढोई और अन्य छोटे मोटे काम किए। वो बताते हैं कि नौकरी के इच्छुक किस तरह पैदल लंदन जाते थे। मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था। मेरी इच्छा हमेशा एक पुराने दोस्त की खतों को पढ़कर और मजबूत हो जाती थी। वह ओल्ड केंट रोड गैस वर्क्स में काम करता था। आखिरकार मैंने जाने का मन बना लिया नवंबर 1881 में। दो दोस्तों के साथ मैं सफर पर निकल पड़ा। हम इस आशा से भरे हुए थे कि वहां पहुंचते ही अपने दोस्तों की मदद से हमें रोजगार मिल जाएगा। जब हम निकले तो हमारे पास खास कोई पैसा नहीं था। लंदन तक के रास्ते के लिए खाने और रातों को ठहरने का पैसा भी नहीं था। कई दिनों तक हम 20 मील और कई बार उससे कम पैदल चलते थे। तीसरे दिन हमारे पास पैसे खत्म हो गए। 2 रात तो हमने बाहर ही सोते हुए गुजारी। एक बार भूसे के ढेर तले और एक बार खेत में बने एक शेड में। लंदन पहुंचने पर मैंने अपने दोस्त को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन नाकामयाब रहा। पैसे तो जा ही चुका था, इसलिए अब हमारे पास देर रात तक यहाँ वहाँ भटकते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शाम को हम सोने का कोई ठिकाना ढूंढते थे। हमने एक पुरानी इमारत ढूंढी और एक रात उसी में बिताई। अगले दिन इतवार था। दोपहर बाद हम ओल्ड कैंट गैस वर्क्स पहुंचे। वहां हमने काम के लिए अर्जी दे दी। यह देखकर मेरे अचरज की सीमा न रही कि हम जिसे ढूंढ रहे थे वह वहीं काम कर रहा था। उसने फोरमैन से बात की और मुझे नौकरी पर रख लिया गया। एच जे डायोस एवं माइकल बुल्स द विक्टोरियन सिटी इमेजेज एंड रियलिटीज 1973 के रेफेल सेमुअल के लेखक कॉमर्स एंड गोवर्स में उद्धृत
या चित्र दिखाएगा, चित्र आर्ट। काम की तलाश में निकले निकोल लोक द इल ट्रेड लंदन न्यूज 1879। कुछ लोग छोटी मोटी चीजें बेचते और अस्थाई काम तलाशते हुए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। घटता बढ़ता रहता था वहां। उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथों से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसा तैयार किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। लेकिन गतिविधि, कल्पना कीजिए कि आप सौदागर हैं और एक ऐसे सेल्समैन को चिट्ठी लिख रहे हैं जो आपकी नई मशीन खरीदने के लिए राजी करने की कोशिश करा रहा है। अपने पत्र में बताइए कि मशीन के बारे में आपने क्या सुना है और आप नई प्रौद्योगिकी में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइनर और खास आकार वाली चीजों की काफी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 577 के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी को की नहीं बल्कि इंसानियत निपुणता की जरूरत थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीजों की को तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी। उनको एक 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 करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी वहां उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल कराना ज्यादा पसंद करते थे ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सके। 19वीं सदी के अमेरिका में यह स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। चित्र 9 में लोहे की फैक्ट्री में मजदूरों, उत्तर पूर्व इंग्लैंड में विलियम बेल्स स्टॉक की पेंटिंग 1861 19वीं सदी के आखिरी में बहुत सारे कलाकार मजदूरों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने लगे थे। उन्हें राष्ट्र के लिए कठिनाई और पीड़ा झेलते हुए दिखाया जाता था। मजदूरों की जिंदगी, बाजार में श्रम की बहुत तीव्रता से मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई। जैसा कि नौकरियों की खबर गाँव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों के हुजूम शहरों हुजूम। ये चित्र में 10 बेघर और भूखे सैमुअल ल्यूक फिलडेसी की पेंटिंग 1874 की। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोगों एक काम घर हाउस में रात भर ठहरने के टिकट के लिए अर्जी दे रहे हैं। ये पेंटिंग यह दर्शाया गया है ये आश्रय स्थल है। बेसहारा सड़कों पर रहने वाले आवाराओं और यहाँ वहाँ भटकते लोगों के लिए गरीब कानून आयुक्त की देखरेख में चलाए जाते थे। इन वर्क हाउसों का रहना जिल्लत की बात थी। हरके की डॉक्टरी जांच करके यह पता लगाया जाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहीं है, उनका शरीर पूरी तरह साफ है या नहीं, और उनके कपड़े मैले तो नहीं। उन्हें कठोर परिश्रम भी करना पड़ता था की तरफ चल पड़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कटुंबे के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रात ये काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। बहुत सारे उद्योग में मौसमी काम की वजह से कामगारों के बीचों बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांव में चले जाते थे जहां इस समय काम निकलने लगता था। लेकिन ज्यादातर शहर में ही छोटे मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मजदूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाली उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियन
युद्धों के दौरान कीमतें तेज से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकते थे। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी, रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने, ये चित्र 11 में तक तकलियां दिखाई गई हैं, नीचे तकलियां और बगल तीन तरफ तकलियां दिखाई गई हैं। चित्रकार स्पिनिंग जेनी टी निकल्स द्वारा बनाया गया रेखा चित्र 1835। ध्यान से देखिए कि एक ही पहिए से कितनी सारी तकलियां घूमने लगती थी। स्रोत खो, एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। कोयला मजदूरों और उनकी बीवियों के गिरोहों की परेशानी के कारण, क्योंकि उनकी बीवियों का काम स्पिनिंग इंजन के कारण छीन गया था। शुरू में वे बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े। उन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को वे टुकड़ों टुकड़ों करके देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने वाली थी। औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था। आदमियों को समझाना आसान था, लेकिन इसीलिए कुछ खींचातान के बाद उन्होंने शांतिपूर्वक घर जाने के लिए तैयार कर लिया गया। जे एम हैमंड एन बी हैमंड द स्किल लेबरल 1760 से 1832, मैक्सिनबर्ग द लीज ऑफ मैन्युफैक्चर्स में उद्धृत। चर्चा करें चित्र 3, 7 और 11 को देखिए। इसके बाद स्रोत खो को दोबारा पढ़िए और बताइए कि बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। ये चित्र दिखाया गया है, ये चित्र 12 मध्य लंदन के निर्माणाधीन एक उथला उथला भूमिगत रेलवे स्टेशन इलेस्ट्रेट टाइम्स 1868 का। 1850 के दशक में पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन बनाने लगे थे। इसका मतलब था कि सुरंग बनाने, बल्लियों की पाड़ लगाने, ईंट और लोहे का काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी। रोजगार चाहने वाले एक निर्माण स्थल से दूसरे निर्माण स्थल तक जाते रहते थे। कितने दिन काम किया है। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छा हालत में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थे। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच जाती थी। नए शब्द स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीज द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाले एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनाने लगते थे। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथों से ऊन कातने वाले औरतों इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जेनी का इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए। सैकड़ों सड़कों को चौड़ा किया गया। नए रेलवे स्टेशन रेल बने। रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया। सुरंगें बनाई गई। निकासी और शिविर व्यवस्थाएं बिछाई गई। नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योगों में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई। उपनिवेशों में औद्योगिकरण। आइए अब भारत पर नजर डालें और देखें कि एक उपनिवेश और उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसे होता है। यहाँ भी हम कारखाना उद्योगों के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्रों पर भी ध्यान देंगे। हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। भारतीय कपड़े का युग, मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत की रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। आर्मेनिया और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्व फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीजें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों
के थान ऊंट की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरमंडल तटों पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। गतिविधि एशिया के मानचित्र पर भारत के मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने वाले कपड़ा व्यापार के समुद्र और सड़क संपर्कों को चिन्हित कीजिए चलता था। निर्यातक व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पाद में पैसा लगाते थे, चीजों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागर के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतर इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, बुनकर से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यातक व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागर से माल खरीद लेते थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागर के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनी की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाली निर्यातक में नाटकीय कमी आई। जिसे पहले कर्जों से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंक दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था। 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। ये चित्र में दिखाया गया है, चित्र नंबर 13, सूरत में इंग्लिश फैक्ट्री। 17वीं सदी का चित्र है, ये 17वीं सदी का बना हुआ चित्र दिख रहा है। हुगली व सूरत सूरत व हुगली कमजोर पड़ रहे थे और बंबई व कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़त ताकत का संकेत था। नए बंदरगाह के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनी के नियंत्रण में था तथा यूरोपीय जहाजों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारी घराने ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण हो वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इन बदलावों ने बुनकरों व अन्य कारीगरों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया, बुनकरों का क्या हुआ। 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को सुदृढ़ की। शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यातक में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास औद्योगिक अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। इसलिए कंपनी भी भारत में होने वाले कपड़ों के निर्यातक को ही और फैलाना चाहती थी। चित्र 14 में दिखाया गया है, ये 14 काम पर लगा एक बुनकर गुजरात का चित्र। 14 में काम पर लगा गुजरात का बुनकर 1760 और 1770 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यातक के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती। बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया है। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीति सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागत पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया। पहला, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांच के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। दूसरा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकर को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता
गुमाशुदा को ही देना पड़ता था। उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकता था। जैसे जैसे कर्ज मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ती लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की जरूरतों पूरी कर लेते थे। अब वे इस जमीन को भाड़े पर दे कर पूरा समय बुनकर में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। औरत व बच्चे कुछ सभी कुछ न कुछ काम करते थे, लेकिन जल्द ही बहुत सारे बुनकर गांव में बुनकर और गुमाशतों के बीच टकराव की खबर आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकरों गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नज़दीकी ताल्लुकात होते थे। वे बुनकरों की जरूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे। नए गुमाशत बाहर के लोग थे, उनका गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाही व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकर को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर न तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, पर वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में कर घा लगा लेते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने कर घे बंद कर दिया और खेतों में मजदूरी करने लगे। 19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्या पैदा हो गई। स्रोत गौ। पटना के आयुक्त ने लिखा, ऐसा लगता है कि 20 साल पहले जहानाबाद और बिहार में कपड़ों का बड़े पैमाने पर उत्पाद होता था। जहानाबाद में यह बिल्कुल बंद हो गया है, जबकि बिहार में बहुत कम उत्पाद होता था है। यह मैनचेस्टर में बनी सस्ती और टिकाऊ वस्तुओं का परिणाम है जिनसे स्थानीय निर्माता प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। जे कृष्णमूर्ति, डी ड्राई स्टाइलाइजेशन ऑफ गैंगोटिक बिहार ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, द इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू 1985 में उद्धृत है। 1985 में उद्धृत है भारत में मैनचेस्टर का आना। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पातुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यातक में गिरावट आने लगी जो लंबे समय तक जारी रही। 1811 से 1812 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यातक के 33% था। 1850 से 51 में यह मात्र 3% रह गया। ऐसा क्यों हुआ, उसके निहितार्थ क्या थे? जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशानी दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयाती कपड़ों पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारत बाजारों में भी बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यातक में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी के आखिरी में भारत में उत्पादों का 9 के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी, उनका निर्यातक बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। स्रोत घ, सेंसर रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसी में बुनकरों के कोष्ठी समुदाय के बारे में कहा गया था। भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बनाने वाले बुनकरों की तरह कोष्ठियों का भी बुरा समय चल रहा है। वे मैनचेस्टर से इतनी भारी तादाद में आने वाले आकर्षक चीजों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हाल के सालों में वे बड़ी संख्या में यहाँ से
जाने लगे हुए मुख्य रूप से बिहार का रुख कर रहे हैं, जहां दिहाड़ी मजदूरी के तौर पर उन्हें रोजी रोटी मिल जाती है। सेंसर रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसी 1872 सुमित गुहा द हैंडलूम इंडस्ट्री इन सेंट्रल इंडिया 1825 से 1950 द इंडियन इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट हिस्ट्री रिव्यू 1889 में उद्धृत। ये चित्र में जहाज दिखाई गई है। चित्र नंबर 15 बॉम्बे हार्बर 18वीं सदी के आखिरी चित्र। के आखिरी चित्र में बंबई और कोलकाता 1870 के दशक से व्यापारी बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगे थे। यह पुरानी व्यापारिक व्यवस्था का पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय था। स्थानीय बाजारों में मैनचेस्टर का आईआईटी मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनाने वाले आईआईटी कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश के ज्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकरी के ही किस्म की भरमार थी। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिका गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास का आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। भारत से कच्चे माल कपास के निर्यातक में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरों के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखाने में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीजों से पट गया था। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था। फैक्ट्री का आना। बंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। उनमें 94,000 तकलियाँ और 2150 करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तर भारती में एलिग्न मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। ये उद्योग कौन लगा रहा था, उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी, मिलों के काम करने वाले कौन थे। चित्र 16 में जमशेदजी जी जी भावे एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था। उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े। प्रारंभिक उद्यमी देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग कर रहे थे। आइए देखें ये कौन लोग थे। बहुत सारे व्यवसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के जमाने से चला आ रहा था। जैसा कि पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा था, 18वीं सदी के आखिरी से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। उसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबार सहायक की हैसियत में पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाजों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यापारी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830 से 40 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों के साथ औरों के साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। बंबई में डीनास पेटिंट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेद जी नुसरवान जी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाली मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुम चंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जी डी बिंडला के पिता और दादा ने किया था। ये चित्र
17 में द्वारकानाथ टैगोर को दिखाया गया है। द्वारकानाथ टैगोर का विश्वास था कि भारत में पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। उन्होंने जहाज रानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बगान और बीमा के क्षेत्र में निवेश किया था। पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारी नेटवर्कों का सहारा लिया गया। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ के मध्य पूर्व व अफ्रीका में संबंध थे। इनके अलावा भी कुछ वाणिज्य समूह थे, लेकिन वे विदेशी व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत में व्यवसाय करते थे, वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा फैला पहुंचाते थे और व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुत ने फैक्ट्रियां लगा ली। जैसे भारत व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह सिकुड़ती गई। उन्होंने अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील का ही निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेजों की जरूरत थी। धीरे धीरे उन्हें जहाज रानी व्यवसाय से भी बाहर धकेल दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक यूरोप प्रबंधनीय एजेंसी भारतीय उद्योग के क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। इनमें बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एड्रिनल यूर और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यमी कंपनियां लगाती थी और उनका प्रबंधन संभालती थी। ज्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक फाइनेंसर पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। यूरोपीय व्यापारियों, उद्योगपतियों के अपने वाणिज्य परिसंघ थे, जिनमें भारतीय व्यवसायियों को शामिल नहीं किया जाता था। ये चित्र 18 में देख सकते हैं। साझेदारी की टोली, जे एन टाटा, आर डी टाटा, सर आर जे टाटा और सर डी जे टाटा। 1912 में जे एन टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं अयस्क संयंत्र स्थापित किया। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग के काफी बाद शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीनरी, रेलवे और लोकोमोटिव का ज्यादातर आयात ही किया जाता था, इसलिए स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योग कोई खास आगे नहीं बढ़ सकता था। मजदूर कहाँ से आए? फैक्ट्रियां होगी तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार में मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। ये मजदूर कहाँ से आए? ज्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसानों, कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था, वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 में बंबई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज्यादातर कानपुर जिले के ही गांव से आते थे। मिल मजदूर बीचों बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई व त्योहार के समय गांव लौट जाते थे। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए, संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। ये चित्र 19 में दिखाया गया है। चित्र 19 में बंबई के एक मिल के युवा कामगार 20वीं सदी की शुरुआत, जब मजदूर गांव जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निषेध था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जांबर रखते थे। जांबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वो अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहरों में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसा से मदद करता था। इस प्रकार जाबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जाबर मदद के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। समय के साथ साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। ये चित्र 20 में
एक व्यक्ति दिखाए गए हैं मुख जाबर। इस चित्र में देखें कि उसका अंदाज और उसकी कपड़ों में जाबर की सत्ता का पता चलता है। नए शब्द जाबर, इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। स्रोत अंग, बंबई के एक मिल मजदूर बसंत पारकर ने कहा। मजदूर अपने बेटों को मिल में काम पर रखवाने के लिए जाबर को पैसा देते थे। मिल मजदूर शारीरिक और भावनात्मक रूप से उसके गांव से गहरे तौर पर जुड़े होते थे। वह गांव जाकर फसलों की कटाई करता था। कोंडिक लोग धन काटने और घाटी यानी गन्ना काटने गांव में जाते थे। यह एक स्वीकृति व्यवस्था थी जिसके लिए मिल वाले छुट्टी दे देते थे। मीना, मेमन व नारी अदरकार, वन हाइड्रेट ईयर्स, वन हाइड्रेट वाइसेज 2004। स्रोत, ये चित्र देख लेते हैं। कई अहमदाबाद के एक मिल में कताई में लगी मजदूर औरतें मुख्य रूप से कताई विभाग में ही काम करती थी। कताई विभाग में ही काम करती। स्रोत च, भाई भोंसले बंबई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। 1930 के 40 के दशक में बिताए अपने बचपन को उन्होंने इस प्रकार याद किया। उस जमाने में 10 घंटे की शिफ्ट होती थी। शाम 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम के सबसे भयानक घंटे। मेरे पिताजी ने 35 साल नौकरी की। उन्होंने दमा जैसी बीमारियां हो गई और वे काम करने से लाचार हो गए। इसके बाद मेरे पिताजी वापस गांव चले गए। मेनन और नीरा अदरकार, वन हाइड्रेड ईयर्स, वन हाइड्रेड वाइसेज 2004 का स्रोत। औद्योगिक विकास का अनूठापन, भारत में औद्योगिक उत्पादन का आश्चर्य रखने वाली यूरोपीय प्रबंधनी एजेंसियों की कुछ खास तरह की उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफी के बगान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इनमें से ज्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यक थी। 19वीं सदी के आखिरी में जब भारतीय व्यवसायी उद्यम लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीजों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़े के बजाय मोटे सूते धागे ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागों का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले भारत में औद्योगिकरण की धारा कई बदलाव की चपेट में आ चुकी थी। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने में राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिकी समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयाती शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें दर देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी थी। चीन बाजारों में चीन और जापान की मिले के उत्पादन छा गए। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 तक के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 2 गुना हो गया। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादों में व्यस्त थे, इसीलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी और कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन आदि बहुत सारी अन्य सामानें बनाने लगे। नए कारखाने लगाए गए। ये चित्र में देख सकते हैं। ये चित्र 22 में ये घर मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर है। 19वीं सदी के आखिरी तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायिक मिलकर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सकें और सामूहिक चिंता के मुद्दों पर फैसला ले सकें। चैम्बर्स बनाकर सामूहिक मुद्दों पर फैसला ले सके। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूर को काम पर रखा गया और हर को पहले से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पाद तेजी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर को पहले
वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई आधुनिकीकरण ने न कर पाने और अमेरिका जर्मनी और जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उत्पादों उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। लघु उद्योगों की बहुत ज्यादा हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज्यादातर 1911 में 67 यानी 67% बंगाल और बंबई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादों का ही दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या 1911 में 5% थी, 1931 में 10% थी। बाकी मजदूर गली मोहल्ले में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथों से होने वाले उत्पादों में दरअसल इजाफा हुआ था। यह बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी सही है जिसकी हमने पीछे चर्चा की थी। सस्ते मशीन निर्मित धागों ने 19वीं सदी की सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पाद में लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका था। ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज्यादा इजाफा न हो और उत्पादन बढ़ सकता हो तो हाथ से काम करने वाले को नई तकनीकी अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। इसीलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटल वाले कारकों का इस्तेमाल करते थे। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पाद तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आई। 1941 तक भारत में 35% से ज्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर मुद्रा मद्रास मैसूर कोचीन बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिनसे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में मदद मिली। नए शब्द में ये चित्रधारी देख लीजिए, हाथों से बुना हुआ कपड़ा हाथ से बुने कपड़े के महीन डिजाइनर को मिलों में नकल नहीं की जा सकती थी। नए शब्द फ्लाई शटल या रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह क्षैतिज धागे ताना द वेब्ड को लंबवत धागे बाना द वार्प में पिरो देता है। फ्लाई शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में काफी मदद मिली। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकरों औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। कपड़े मोटे मोटे कपड़ों को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने की कुछ नहीं होता था और नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज्यादा थी, उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब भूखे मर रहे होते थे तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकाल से बनारसी या बलूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जैसा कि आप देख चुके हैं कि मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की प्रसिद्ध लुगियों की जगह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। ऐसा भी नहीं कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ते जा रहे बुनकरों व अन्य दस्तकारों को हमेशा फायदा ही हो रहा था। उनकी जिंदगी बहुत कठोर थी, उन्हें दिनों रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार बच्चे बूढ़े और तो उत्पाद के लिए किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाता था, लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष पर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग था। ये मानचित्र में नीचे दिखाया गया है।
पंजाब, संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत बंगाल, बंबई, मद्रास। चित्र 24। भारत में बड़े पैमाने पर उद्योग वाले इलाके 1931 में चित्र में बने गोले विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग के आकार की ओर इंगित करते हैं। वस्तुओं के लिए बाजार, हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारत बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों और दस्तकारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों ने अपनी वैश्विक नियंत्रण का विरोध किया। आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजारों को फैलाने के प्रयास किया। जब नई चीजें बनती हैं तो लोग को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की जरूरत है। इसके लिए क्या किया गया? नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरत और वांछनीय बना लेते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई जरूरत पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहे हैं जहाँ चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, हैंड्रिगिस दीवारें, टेलीविजन के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम और उत्पाद की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। चित्र 25 में ये वुड वार्ड्स, ग्रिप्स, वाटर कीप, बॉबी वेल, ग्राइप वाटर का कैलेंडर, MB धुरंधर का चित्र 1928 में बच्चों की चीजों का प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ये चित्र 26 को मैनचेस्टर के लेबल 20वीं सदी के आरंभ में आयाती कपड़ों के लेबल पर असंख्य भारतीय देवी देवताओं, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती को चित्रित किया जाता था, जो संबंधित वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास था। चित्र ख मैनचेस्टर के लेबल पर महाराजा रणजीत सिंह का चित्र है। उत्पादक के प्रति सम्मान पैदा करने हेतु ऐतिहासिक व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेबल पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीकों का अंदाज लगा सकते थे। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्रायः होती थी। देवी देवताओं की तस्वीरों के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीजों को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीजें भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। 19वीं सदी के आखिरी में निर्माता अपने उत्पादों को बचाने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाते थे जो पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों और मध्यवर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पाद को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीर होती थी। देवताओं की तस्वीर की तरह महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्राट व नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापनों व कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थी। इनका संदेह अक्सर यह होता था कि अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश से बनाया गया है तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं की जा सकता। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। उनका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो इन चीजों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। ये चित्र 27 में सनलाइट साबुन कैलेंडर के दिखाए गए हैं। सनलाइट
जो बीच में बैठे भगवान को सॉप एंड सनलाइट सॉप दिखाया गया है। सनलाइट साबुन का कैलेंडर 1934 में यहाँ भगवान विष्णु आसमान से रोशनी लाते दिखाए गए हैं। उच्च माल, ये उच्च माल रण छोड़ल छोटा लाल अन्न कंपनी का नाम है। हिंदुस्तान नमोस्तुवलम एक भारतीय मिल में बने कपड़े को लेबल, इसमें एक देवी अहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही हैं और लोगों से भारत में बने कपड़े के इस्तेमाल का आह्वान कर रही हैं। चित्र 28 ये दिखाई गई है। निष्कर्ष जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिक बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इस युग में हाथों से बनने वाली चीजों और छोटे पैमाने का उत्पाद भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। चित्र 1 और 2 को दोबारा देखिए, आप बताइए कि ये छवियां क्या दर्शाती हैं। ये प्रश्न व्याख्या परियोजना, आपके क्षेत्र में किसी एक उद्योग को चुनकर इसके इतिहास का पता लगाइए। प्रौद्योगिकी, उसकी प्रौद्योगिकी किस तरह बदली, उसमें मजदूर कहाँ से आते हैं, इसके उत्पाद का विज्ञापन और मार्केटिंग किस तरह की जाती है, इस उद्योग के इतिहास के बारे में, उसमें मालिकों और उसमें काम करने